हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग तो आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू कर दिखाने वाली हूँ तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन का पहला हम भगवान की पूजा से ही दिन स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं सुबह उठ के फ्रेश होके भगवान की पूजा कर लूँगी तो ये मैंने पूजा कर पूजा कर लिया है तो इसी तरह से हम सुबह स्टार्टिंग भगवान की पूजा से ही करती हूँ मैं तो इन्हें पूजा कर ली है अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने रख कपड़े धोने के लिए रख दूंगी तो मेरे खाना बनाने के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपना काम तो मेरे कपड़े धुल गए हैं तो अभी मैं उसे सुखा दूंगी तो इसी मैं अच्छे से सुखा दूंगी तो ये सूख जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में सूखने के कारण ये बहुत ही जल्दी सूख भी जाते हैं और इसी तरह से मैंने पूरे कपड़े सूखा भी दिए अभी मैं खाना बनाऊंगी तो खाना बनाने के लिए मैंने पुलाव बनाना है तो वो मैंने एक तपेली में राइस चर, राइस बनाने के लिए पानी रख दिया है पानी उबल जाए तो उसमें नमक डाल के और हरी मटर ऐड करके इसे इसी तरह से उबालूंगी तो अभी हमारे चावल इतने होने पर रेडी हो गए हैं तो अभी मैं इसे बंद करके इसमें से पानी निकाल दूंगी तो फिर पानी निकालने के बाद दो तो मिनट तक होने दूंगी अभी मैं पुलाव बनाने का है तो उसके लिए मैं ऑनियन कट करूंगी तो इसे तो मैं ऑनियन और टमाटर कट कर लूंगी आपको और भी चीज़ डालनी हो तो डालते डाल सकते हो लेकिन मैं हमेशा यही डालती हूँ तो इसी तरह से मैंने ये सब कुछ काट लिया काट लूँगी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मैं अच्छी नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँ तो इसे मैं इसी तरह से अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह में सबको खाना जल्दी होना होना चाहिए तो यह हमारा राइस हो गया है दो मिनट के बाद तो अभी मैं एक कढ़ाई में ऑयल ले लूँगी उसके बाद हमें पुलाव में आलू चाहिए तो आलू को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है और रात को ही मैं सब्जी काट लेती हूँ तो सुबह में ये जल्दी हो जाता है तो अभी ये भिंडे और आलू की सब्जी मैंने बनाई है उसमें हल्दी और नमक डाल के मैं उसे पकने के लिए रख दूँगी तो अब अभी हमारे जो आलू थे वो फ्राई हो गए हैं तो इसी तरह से मैं पुलाव में ऐसे ही आलू डाल के बनाती हूँ आप भी ये कॉम्बो जरूर से ट्राई कीजिएगा ये, ये बहुत अच्छा लगता है भिंडी की साग रोटी और पुलाव तो ये मेरी भिंडी की सब्जी हो गई और इसे मैं हमेशा ही आयन की कढ़ाई में बनाती हूँ इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है तो इसे ये काफ़ी कुरकुरी भी बनती है अगर आपकी भिंडी भी ना बनती हो कुरकुरी तो ऐसे बनाइए उसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड करने का इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ये मेरी आलू और भिंडी की सब्जी हो गई है और हमने जो ऑनियन फ्राई करने के लिए रखी थी वो भी हो गई इसमें लहसुन और मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसमें अभी हमें टमाटर ऐड कर दिया है और फिर इसमें नमक और हल्दी ऐड कर देंगे तो मैंने मिर्च ज़्यादा ऐड की थी और धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे तो मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ऐड की थी इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं ऐड की है लेकिन करनी हो तो कर सकते हैं तो इसी तरह से और अब मैं पाव भाजी mm. मसाला ऐड कर दूंगी इसमें तो इस तरह से इसे पूरा पका लेना है अच्छी तरह से तो अभी मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी उस पर से थोड़ा धनिया ऐड किया है जिससे इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाए और फिर हमने जो राइस पकाए थे वो अंदर एड कर दूँगी और हमने जो आलू फ्रेंच फ्राइज जैसे कट किए कट करके फ्राई किए थे वो मैं अंदर एड कर दूँगी और फिर इसे मिक्स कर लूँगी तो अभी हमारा रेडी हो गया है पुलाव इसे मैंने बासमती राइस से नहीं बनाया है जो घर में हम रु... हमेशा के लिए खाते हैं उसी से ही बना लेती हूँ मैं तो उस पर मैंने ये धनिया लग डाल दिया है तो ये रेडी हो गया मेरा खाना तो पुलाव रेडी है और भिंडी की सब्जी भी रे, रेडी है तो अभी मैं रोटियां बना लूँगी तो ये मेरी रोटियां भी हो रही है रेडी तो रो, रोटियाँ रो हो गई रेडी और अभी हमें मेरा खाना पूरी तरह से हो गया है तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बनाया राइस भिंडी की सब्जी रोटी और